लोग तो आज हम लोग आए मस्जिद जुम्मे की नमाज पढ़ने, और मलाहिम और रेहान भाई जा रहे हैं। मलाहिम ने आज फाइनल टॉप पहन ही लिया, तो हम भी चलते हैं अंदर। नमाज शुरू ही होने वाली है, दूसरी एग्जाम शुरू होगी ना अभी, उसका चप्पल। चलो भाई हम भी चलते हैं। यहाँ पे हमें ये चोमू मिले। अब नमाज शुरू हो रही है। चल 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 बैठना होकर कर। माइनक्राफ्ट में उसने वायु जा रहे मलाई। तो बस फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, और अभी हम लोग खाने वाले हैं बिरयानी। बस पापा आ जाए, और सिनान भाई वो मस्जिद में ही थे, तो मैंने आपको दिखाया नहीं, बट वो मस्जिद में थे, मैं उनके आगे से मेरा पीछे से गया था। तो अभी आप लोग थोड़ा वेट करें और फिर हम खाएंगे बिरयानी। तो गाइस फाइनली हमारी बिरयानी बन चुकी है, बस मैं आपको खाते हुए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैं पूरा अकेले खा लूँगा। और ये है पेप्सी, इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आता, तो मज़े के लिए पेप्सी होनी चाहिए। तो गाइस अभी रेहान भाई अपना होमवर्क कर रहे हैं। तो होमवर्क आप क्या कर रहे हैं? मैथ का होमवर्क। बहुत ज्यादा साइंस क्या बकवास है। ठीक है आप थोड़ा सा बताएंगे। ये मुझे बहुत मजेदार लगता है, ये मेरा फेवरेट काम है। आप लोग का फेवरेट है कि नहीं बताना। ये क्या कर रहे हैं आप? चल आप लोग देखिए गाइस वहां पे 9 लिखा हुआ है, फिर ये इसके ऊपर बस ऐसे मार रहे हैं। देखो देखो आप लोग इसको दिखाओ यार, इसको दिखाओ, इस साइन को दिखाओ। आप लोग कुछ समझ नहीं आ रहे हैं कि ये क्या है। अबे बताओ ना क्या है। ये है जैसे कि एक सॉल्व करके दिखा दो, एक सॉल्व करके दिखा दो। 32 आता है। देखो 4 की टेबल में 8 कहां पे आता है ना, 8 कहां पे आता है, 8 आता है ना। हां 8 आता है, 2 पे आता है, 2 पे आता है। लेकिन हमें वो नहीं करना, हमें ये करना है 4 की टेबल 8 हो जाता है। ये देखो मैं चीटिंग करके कर रहा हूं ताकि वो मजा आ जाए ना, थोड़ा सा दिल में मजा भी होना चाहिए। मतलब चीटिंग कर रहे हैं, इनको कोई पढ़ाई का शौक नहीं है। मतलब चीटिंग करना खड़े तो पहले टेबल याद किए, वो तो करना है ना। शीन का टेबल याद ही नहीं है, खटिया बंदे। मेरा अपना मैं अपना होमवर्क जब करूंगा ना भाई तब आप लोगों को दिखूंगा। अबे तू निकलना। तो गाइस आज ही ना मेरा मन कर रहा है फुटबॉल खेलने का, तो आइए हम भाई से पूछते हैं बोलो खेलने चलेंगे कि नहीं। ए जी आ रहा है क्या, क्या आ रहा है? ए पकड़े गए, पकड़े गए, मुझे रोक के खुद बड़ाई कर रहे गाइस। और देखो इन्हें मिले। ए गाइस मैं डिवीजन कर रहा हूँ, आप लोग में से बहुत लोगों ने किया होगा, अगर नहीं किया तो मैं आप लोग सिखा देता हूँ डिवीजन ऐसे होता है। अबे क्या कर के रखा। तो गाइस डिवीजन में आपको टीचर देती है ऐसे बना के देती है, ठीक है। और मतलब ये होते हैं नंबर्स और ये होता है टेबल। मतलब ये साइन है ना, ये है कि मतलब इसके अगला वाला जो है ये टेबल है। तो हमें पहले तो इसको ऐसे करके ऐसे हमें ये ऐसे बना देना है, क्योंकि हमें ये जो नंबर बड़ा वाला होता है ना हमें इसके अंदर लिखना है। ओके ये हमें लिख दिया 45, और यहाँ पे भी हमें लिखना है 45, और ये जो टेबल है ना 45 का वो हमें इधर लिखना है, ठीक है। वहाँ पे हमने ऐसे ऐसे लिख दिया, अब यहाँ हम लिखेंगे 45। अब ये 45 का टेबल में 45 की टेबल में 45 किधर आता है? 45 आता है 1 पे, 41 5 1 5 मेरा 45। अभी मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो फिर हम लोग अभी इसके नीचे एक और 45 लिखेंगे,
क्योंकि ये आता है उसके अंदर, तो हम और फिर इसको हम इसे करके माइनस कर देंगे जीरो। अब हम इसको लाएंगे, हटाओ यार, इसको लाएंगे हम नीचे फोर, और यहाँ पे हम नीचे लाएंगे फाइव। फाइव 45 अभी वन पे ही आता है। और अगर हम दो एक साथ उतारते हैं ना, मतलब ऐसे क्रॉस बनाते हैं, दोनों एक साथ उतार रहे हैं हम नीचे, तो हम बीच में एक जीरो भी लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जब नीचे आ जाता है, और अब हम इसके जीरो नीचे क्या अरबी को फाइव पे जीरो। देखो अभी हम वापस ऐसे 45 लिख के 45 लिख के इसको ऐसे करके हम जीरो करके माइनस कर देंगे, और फिर 45 माइनस जीरो, और फिर हम इसको जीरो कर देंगे। ऐसे ही हमें ये भी करना हो, सॉल्व करना होता है। ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, बहुत ज़्यादा हार्ड था, बट ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड था, बहुत मुश्किल है। और इसको हम जीरो नहीं करते क्योंकि कोई कोई ऐसे होते हैं कि उनको जीरो नहीं करना होता। और आप लोगों को पहले तो नॉर्मली टू मिलेंगे ऐसे, जैसे मुझे फोर मिले हुए हैं, आपको टू मिलेंगे इजी होगा, और टेबल भी थोड़े थोड़े मिलेंगे, जैसे आप थ्री में आएंगे थोड़ा हार्ड, और जब आप फोर में आएंगे ऐसे आप जितना भी चाहें मिलियन मिलियन भी कर सकते हैं ये नंबर। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा सबक बताना। और अभी मैं आप लोग को अपना उर्दू का दिखाता हूँ, उससे पहले रिहान भाई का उर्दू का दिखाते हैं कि रिहान भाई का क्या टेस्ट है। जिस दिन छुट्टी होती है पक्का उस दिन तो कोई खतरनाक ही टेस्ट मिलता है। अब रिहान भाई क्या कर रहे हैं वहाँ पे, तो आज रिहान भाई अपना टेस्ट याद करें। और रिहान भाई का कोई होमवर्क नहीं है क्योंकि टेस्ट है, सवाल जवाब है, और ये छोटे बच्चे हैं तो इनके लिए इजी इजी सवाल जवाब होते हैं। इनको दिखाएंगे गाइस को, गाइस चलो रिहान भाई का दिखाते हैं। ये सबक किस बारे में है? ये सबक वक्त की पाबंदी के बारे में है। ऐसे ऐसे मतलब एक एक लाइन वाले छोटे छोटे से सवाल जवाब है, और ये ऐसे परेशान होकर बैठे हुए जैसे कुछ बड़ा इनके ऊपर अजाब आ गया है। मेरा आप देखेंगे ना वो तो और ज़्यादा ईजी है। कैसे देखें, मुझे इंग्लिश का तो बहुत हार्ड मिला है, बट उर्दू का ईजी है थोड़ा बहुत मेरे लिए, क्योंकि ये तो बच्चे हैं। अगर उनको मेरा वाला टेस्ट मिल जाएगा ना तो ये रो बैठेंगे। गाइस मेरे सवाल जवाब देखें आप, यहाँ से लेके जवाब मेरा, ये तो एक ही लाइन है, बट मेरा जो जवाब होता है असलम अच्छा बच्चा है, अबे रुको ना, देखो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जवाब है, दो तीन लाइनों का जवाब होता है और एक, और आपका एक लाइन भी नहीं होता भाई, और तुम रोने बैठ जाते हो। ये तो मेरा खैर पुराना है, बट नया मेरा ये वाला है, ये वाला, ये वाला। मतलब ये देखो मुश्किल ये मुश्किल ऐसे, मतलब आज पहली बार मुझे इजी मिला है तो मैं बहुत खुश हूँ। शक्कर मोनस लड़का लड़की इसे है ना, ये मुश्किलात मुझे होते हैं नाजरीन नजर, ये ऐसे बहुत मस्त मस्त होते हैं, बहुत इजी है। पहली बार जिंदगी में इतना इजी मिला है, और अभी नमाज नमाज पढ़ने में जाना है तो मजा आएगा। चलो बाद में आप लोग फुटबॉल भी, अभी मैं अपना याद करूँ, आप लोग जाओ चलो भाग बस। चल नाजरीन नाजरीन तो यहाँ लिखा है, मुझे तो नजर लिखना है, इसलिए बता भी दिया। ओह गाइस सॉरी सॉरी, और क्या बोल गाइस, फाइनली मेरा टेस्ट हो चुका है, आखिरी वही हो जाता हो चुका है पूरा कंप्लीट, और मैं पास हो चुका हूँ। अपने आपको टिक भी दे देते हैं, स्टार भी, बकवास से स्टार है, स्टार 10 में से 100 जिसने लोग 100 में से 10 समझ ले। ये चलो अब रिहान भाई का देखते हैं, रिहान भाई ने क्या किया है। रिहान भाई गाइस रिहान भाई ने ये घर प्यारा सा खुद बनाया है, आप लोग कमेंट में बताएं कैसा लग रहा है। तो फाइनली गाइस रिहान भाई का भी टेस्ट हो चुका है, और रिहान भाई बहुत खुश है कि कैसा है। मैं बताता हूँ रिहान भाई का टेस्ट कैसा गया है, तो मैं भी बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। ये रिहान भाई का इतना बड़ा टेस्ट कैसा गया है, अभी मैं आप लोग को एक सेकंड में पेन लेके आ लूँ फिर बता दूँ आप लोग का। गाइस रिहान भाई सो गए मुझे लगता है, तो गाइस मेरी बात सुनो, ये ना कोई रिहान भाई का टेस्ट नहीं है, रिहान भाई ने अभी तक टेस्ट दिया और सीधा पेपर कचरे में फेंक दिया, अब वीडियो के लिए वो बोल रहे हैं कि ये मेरा टेस्ट है, तो ये असल में ये मेरा पुराना कोई टेस्ट है, सवाल जवाब इतने बड़े बड़े इनके तो होते नहीं है टेस्ट, तो अभी मैं इसको फाड़ने वाला हूँ। हाँ चलो रिहान भाई मैं पेन लेके आ गया, उठो उठो रिहान भाई, रिहान भाई देख तो ये बहुत ज़्यादा आपका अच्छा गया है, बकवास गया है, अच्छा भी गया है, तो इसी बात पे हम इसको फाड़ देंगे। हाँ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ ये आपका टेस्ट नहीं था।
अबे गाइस ये चौमू बंदे अपना टेस्ट करके खुद इन लोगों ने फेंक भी दिया था। फाइनली गाइस मैंने कुरान में पढ़ ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।